प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी दिल्ली, मान लीजिए मेंबर पार्लियामेंट की, तो मैंने सुना है डॉक्टर करोड़ी मीणा के बारे में कहा गया कि बाकी एमपी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करोड़ी मीणा करता है वो तुम सब करो, मतलब धमाल पट्टी करो। मुझे नहीं मालूम क्या कहा उन्होंने, पर जो कुछ कहा है या कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं उनके लिए। पूरे देश के अंदर जो तनाव है, हिंसा का माहौल है, धज्जा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलना एक पार्ट है। आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है हमें इस देश को किस प्रकार बांटना, हिंदू मुस्लिम के धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, ये उनके एजेंडे का पार्ट है। और ये अभी तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में और बड़े अटैक करेंगे, मुख्यमंत्री पे करेंगे, सरकार पे करेंगे, इनकी योजना बनाई है। ये प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी दिल्ली, मान लीजिए मेंबर पार्लियामेंट की, तो मैंने सुना है डॉक्टर करोड़ी मीणा के बारे में कहा गया कि बाकी एमपी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करोड़ी मीणा करता है वो तुम सब करो, मतलब धमाल पट्टी करो, धमाल पट्टी होगी, हिंसा होगी, अशांति रहेगी, तो काम रुकता है, सरकार का डिस्टर्ब होता है, काम विकास रुकता है। इनका सोच यही है कि हम कैसे विकास को ठप करें, योजनाएं लागू नहीं हो पाए जो हमने घोषणा की बजट के अंदर, ये इनका एजेंडा है। देखो, आपको हमको सबको मीडिया वालों को समझना पड़ेगा, मुझे मालूम है मीडिया पे दबाव है, आपकी मजबूरी है, तब भी आप रास्ता निकालिए, देश के हित के अंदर, समाज के हित के अंदर शांति, भाईचारा, सद्भाव, अहिंसा का माहौल रहे। हिंसा के जवाब हिंसा नहीं हो सकता, पर जो करौली में हुआ वो एक प्रकार से प्रयोग था उनका। करौली में जो घटना हुई आप देखेंगे, हमने तो रोक दिया रास्ता में, बन रामनवमी पर सब धर्मों ने मिलकर के जुलूस निकाले, परंतु करौली में जो प्रयोग हुआ उनका जिस रूप में, वही प्रयोग रामनवमी पे सात राज्यों में हुआ है, सात राज्यों में। और दंगे बढ़ के फिर बुलडोजर आ गए चलाने के लिए। जब आप दंगा होता है कहीं पर, जब पकड़ते हो पहली बार, तो उसमें जो अभियुक्त बनता है या गलती करता है वो भी होता है, और निर्दोष भी फंस जाते हो सकते हैं जो सड़क में चलता हुआ, यही करौली में हुआ होगा। तो वो कहने लगे करौली में जो घटना हुई है वो निर्दोष फंस गए हैं। तो मैंने उनको कहा, भाई हो सके निर्दोषों को छोड़ देंगे उनको, परंतु निर्दोषों पर आप बुलडोजर कैसे चला रहे हो? मध्य प्रदेश में, यूपी में जो पकड़े गए सबके घर तोड़ दिए गए। तो ये जो इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है, समझने की कोशिश करें प्रदेशवासी, अगर नहीं समझेंगे युवा पीढ़ी, तो आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य जो है युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। अभी तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़काना बहुत आसान है, जैसे आग लगाना आसान होता है, आग लग जाती है, बुझाना में बहुत तकलीफ आती है, वही सिद्धांत लागू यहां होता है। एक आदमी कमजोरी होती है, जाति और धर्म कमजोरी होती है और आस्था भी होती है, उसको अगर आप बदल दो तनाव के अंदर, माहौल के अंदर। कौन धर्म सिखाता है? गांधी जी ने कहा है अपना धर्म जो है उस पर गर्व करो, मैं हिंदू हूं मुझे गर्व है, ये गांधी जी ने कहा था। हम सब यही बात करते हैं, हम सब हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू है, हमें गर्व है हिंदू धर्म पर, परंतु दूसरे धर्मों का सम्मान करो, ये भावना अगर सब में आ जाए झगड़े मिट जाए। इनको तो राज जो आया है वो धर्म के नाम पे आया है, ध्रुवीकरण के नाम पे आया है, ये इसको और बढ़ाएंगे। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टिकरण कर रही है पक्ष विपक्ष पक्ष को लेकर, और लगातार कई उदाहरण भी देते हैं, जैसे अभी विश्व हिंदू परिषद ने दो तीन दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करौली वाले मामले में भी उदाहरण दिया। क्या कहना आप? देखो नहीं, अलवर में क्या, राजगढ़ में इनका खुद का नगर परिषद का बोर्ड, उन्होंने प्रस्ताव पास किया, और राजगढ़ के अंदर
35 पार्षद में से 34 जीते, यू जस्ट इमेजिन, 35 पार्षद में से एक जीता कांग्रेस का, 34 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रस्ताव पास करते हैं और मंदिर गिरा देते हैं और अभी तक वो इश्यू बनाए हुए जिंदा, क्योंकि ध्रुवीकरण करना है इनको, तो कांग्रेस को बदनाम करना है, तो जनता को खुद को सच्चाई बता देना चाहिए, तब जाके इनको सबक मिलेगा, वरना जो रास्ता पकड़ लिया इन्होंने, किसी को नहीं मालूम है देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। आज देश का बुद्धिजीवी है, लेखक है, पत्रकार है, सब चिंतित है, अब पढ़ जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं, जितने कमेंट आ रहे हैं, जितने डिस्कशन आ रहे हैं आपस के अंदर, समझ लीजिए आप लोग बहुत खतरनाक माहौल है देश के अंदर, ये खतरनाक माहौल आग लगाना चाहते हैं और ज्यादा, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई किसी ने कमेंट कर दिया, हम लाउड स्पीकर हटा देंगे, नहीं हटा देंगे, कोई इश्यू नहीं है, जो कुछ फैसला करना हो सब मिलके करो, सब धर्म के लोग, जाति के लोग मिलके फैसला करो, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। बिजली संकट देखिए 16 राज्यों में है, 16 राज्यों में एक साथ संकट आया है, हर राज्य अपने अपनी कोशिश कर रहे होंगे भाई मिनिमाइज करो उसको, तकलीफ कम से कम पब्लिक को ही तो कर सकते हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं और राज्य लगे होंगे। आज 16 राज्यों में कोयले की कमी के कारण से संकट है, आप देखते होंगे मीडिया के अंदर भी, इसलिए हमारा प्रयास है, मैं 2 मीटिंग ले चुका हूँ कि कैसे बिजली के संकट में हम कम से कम तकलीफ लोगों को, जनता ने सहयोग मांगा है कि आप भी जरा कैसे बिजली का बचत कर सके, अनावश्यक आपका कूलर या फ्रिज नहीं चले, इंडस्ट्री वालों ने कट लगा दिया, 50% इंडस्ट्री बंद रहेगी, 50% कट लगा है, जो कदम उठा सकते हैं हम लोग उठा रहे हैं, पानी की त्राहिताएं मची हुई है क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है, जो मई और जून वाली गर्मी मार्च अप्रैल में हो जाए 45 से अबो तो बोलते क्या होगा, चिंता हम तो कर रहे हैं कि मई जून में क्या होगा, कितनी गर्मी पड़ेगी, लू से बचना चाहिए आदमी को, क्योंकि लू लगने के बाद में आजकल आप देखिए बीमारियां हो रही है, मैं सुन रहा हूँ कि मंत्री खड़े हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, गांव में भी सीएचसी पीएचसी में ज्यादा भीड़ बढ़ने लग गई है, लोग बरतने लग गए, हम सबको बचाव खुद का करना पड़ेगा, हम लोग तो सरकार तो कर ही रही है, सरकार राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार हमने फैसले किए हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे आईपीडी ओपीडी फ्री हो, चाहे आपका किडनी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो या लीवर ट्रांसप्लांट हो, सब फ्री कर दिया जाए, 15 लाख 20 लाख खर्च हो, ऐसा कहीं हुआ है क्या दुनिया के अंदर? दुनिया में हुआ क्या? ओबामा केयर के नाम से अमेरिका में शुरुआत करी थी, मैंने सुना वो स्कीम भी सक्सेस नहीं हो पाई है, तो आप सब दुआएं करो कि हमारी स्कीम सक्सेस हो।